तो माइनॉरिटी के लिए उनको कुछ एजुकेशन हो गया, कल्चरल एक्टिविटी हो गई, रिलीजियस प्लेसेस हो गए, उनका एजुकेशन हुआ, उनकी लैंग्वेज हुई, इनको सबको डेवलप करना पड़ेगा आफ्टर द मेकिंग द लॉ। अभी सिर्फ प्रोटेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन में, अब वो प्रोटेक्शन कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट देगा, हाई कोर्ट देगा, वो आर्टिकल 30 को दे, लेके आप सरकार से कुछ नहीं मांग सकते। बाबा साहब ने एक बयान में अपने में बोला था कि मैं हिंदू धर्म के अंदर पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं हिंदू धर्म के अंदर मरूंगा नहीं। राइट राइट, उन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं ली थी, उन 22 प्रतिज्ञाओं के अनुसार आज भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है हिंदू हैं। राइट ब्रो, एज पर द लॉ, एज पर द लॉ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्टिल एज ए हिंदू हिंदू है। यस यस ऑफकोर्स। या वो जीवित होते तो वो संविधान के अंदर इस तरीके के कोई संशोधन करते या नहीं? बिल्कुल ऑफकोर्स करते, क्योंकि उनका उनको मालूम था ना 1950 में, उनको मालूम था कि बुद्धिस्ट जो है वो हिंदू का सेक्ट करके वहाँ मान्यता मिली है, उनको मालूम था ना जी। जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर है, जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाया, तो उनको तो मालूम था ना, उनको तो मालूम था कि बुद्धिज्म की जो लीगल पोजिशन क्या है, कि बुद्धिज्म इज ए सेक्ट ऑफ हिंदुज्म, और उसको अमेंड करने के लिए उन्होंने बाबा साहब ने 22 प्रतिनिधि, ये मुद्दा है अपना। 22 प्रतिनिधि का उद्देश्य क्या था बाबा साहब का, कि आर्टिकल 25 जो है उसमें जो सब क्लॉज 2 है, सब क्लॉज बी है, जिसमें लिखा है कि बुद्धिस्ट सिख और जैन आर द सेक्ट ऑफ द हिंदू, उसको बाबा साहब को हटाना था। हटाने के लिए फिर क्या लगेगा, कुछ सोर्स लगेगा ना।